राज्यसभा चुनाव के रण में रोज नए पॉलिटिकल पेच सामने आ रहे हैं। अब बसपा ने कांग्रेस के आए विधायकों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बसपा से आए सभी 6 विधायक कांग्रेस की बाड़ाबंदी में शामिल हैं। उधर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति जताई है। मिश्रा ने सीआईसी को पत्र में कहा कि ये 6 विधायक बसपा की टिकट पर चुनाव जीतकर आए थे और पार्टी सुप्रीमो मायावती ने इन्हें सिंबल अलॉट किए थे। निर्वाचन आयोग के इस गजट नोटिफिकेशन में अभी तक इन विधायकों को पार्टी का नाम बसपा के ही अंकित है। इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। इतना ही नहीं राजस्थान विधानसभा के गजट नोटिफिकेशन में भी इन विधायकों की पार्टी पर बसपा ही दर्शाई गई है। लेकिन इसके बाद राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने इस शब्दावली में पार्टी के बिना नोटिस के लिए बदलाव कर दिए थे। पार्टी के महासचिव ने इस संबंध में जयपुर निवासी हेमंत नाहटा की ओर से दायर की गई पिटीशन का भी उल्लेख किया है। उधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बावन ने भी इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी को पत्र लिखकर मांग उठाई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हेमंत नाहटा ने जो अपनी पिटीशन दायर की है उसमें पार्टी का आधिकारिक कथन भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। उन्होंने कहा है कि बसपा के जीते विधायक ने अगर ये बात कही है कि पार्टी के विलय हो गया है तो वह मिथ्या कथन है तथा विधायकों के बसपा विधायकों के तौर पर ही ट्रीट किया जाए। साथ ही कांग्रेस बसपा के आए विधायकों ने अपनी ही पार्टी का मानकर चल रही है और बाड़ाबंदी में भी विधायक शामिल है। लेकिन चुनाव से पहले बसपा विधायकों ने चुनाव आयोग से शिकायत कर पार्टी की धड़कनें बढ़ा दी है।